आज हम बनाएंगे परवल आलू का सब्जी। ये है परवल, ये बॉयल आलू, ये कटा हुआ है, काट लिया है मैंने, और ये है प्याज कटा हुआ। इसमें हम मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ये है गोलकी पाउडर, ये है मिर्ची, ये है नमक, और ये गरम मसाला और चरपत्ता, जिसको हम फोरन में यूज करेंगे। फोरन पड़ चुका है, जिसमें ये चटक चुका है, जिसमें हम अब परवल डालेंगे। इसमें परवल को फ्राई करेंगे, इसको फ्राई करने के बाद हम आलू को फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे और आलू डाल के फ्राई करेंगे। अब आलू इसमें हम डाल के फ्राई करेंगे। आलू अब लाल हो चुका है, फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। अब आलू फ्राई हो गया, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी में हम प्याज को फ्राई करके इसमें मसाला भर देंगे। प्याज अब लाल हो चुका है, इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। इसमें हल्दी डालेंगे हम, गोलकी पाउडर डालेंगे, मिर्ची डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसको फ्राई करेंगे, ये गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के भूनेंगे। ये फ्राई किया हुआ हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से भून कर। बस ये भून जा चुका है, कढ़ाई में तेल छोड़ चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आलू और परवल। अच्छा से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। आप उसे भूंजा भी रख सकते हैं और उसमें थोड़ा उसमें आप रस भी बना सकते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। ये रेडी हो चुका है, परवल आलू का सब्जी बन चुका है, ये रसेदार बना है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, इसको सर्व कर लेंगे। ये रेडी हो गया। आप